ये तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ अभी से कोई टाइम नहीं लगेगा, हाँ 10 बजे एक बार दिखा दीजिए क्या चल रहा है भाई। जस्ट नाउ लाइव वीडियो के बीच ना नहीं, ऑनलाइन एडमिशन रोक की प्रोसेस अभी जो किया है ना वो। हाँ ये लगा दिया सर, ये ऊपर आ गया। चलो सर इसको हम करें, टाइम हो गया 2 बज गए है ना। अभी सबसे पहले देखिएगा लॉटरी निकल रही है हमारी इसकी आरटी वाली 3 सीट की, क्लिक करने जा रहे हैं। आप देखिएगा बटन क्लिक हो रहा है, उसमें कुछ नहीं होता, ये सारा वहां से सेट है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, दिस इज केंद्रीय विद्यालय चिरानी। आरटी लॉटरी इज गोइंग नाउ स्टार्टेड वी, तो फर्स्ट आरटी लॉटरी पे हम क्लिक करने जा रहे हैं। इसमें एप्लीकेशन नंबर जो अभी फिलहाल जो दिख रहे हैं सीक्वेंस में, लक्ष्य चौधरी, नीरज कुमार, रुधर शर्मा, विहान शर्मा, आपको इस सीक्वेंस में दिख रहे हैं। हम यहाँ कंडक्ट लॉटरी पे एक बटन पे क्लिक करने जा रहे हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें पहले नाम जो है उसमें खुशी इरशाद आरटी में ये है, देन आनंद गुलाब मलिक, दिव्यांशी वर्मा, वरुण सिंह, जानवी देवी, ऐसे हमारे पास सीक्वेंस डबल सेक्शन हमारा विद्यालय है, तो इसमें हम 20 कैंडिडेट को लेंगे। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि जो नीचे नाम ये शरुण शर्मा है, यहाँ से वेटिंग लिस्ट जनरेट हो गई है, वेटिंग लिस्ट। तो हमारे पास अगर 20 कैंडिडेट आ जाते हैं उसमें से कोई नहीं आता तो हम नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट से स्टार्ट करेंगे। ये लिस्ट जनरेट हो चुकी है आरटी की, ये आरटी की लिस्ट जनरेट हुई है और हम यहाँ पे अब इस लिस्ट को डाउनलोड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंटली एबल मतलब डीए कैंडिडेट हैं, उसमें डीए में एससी कैंडिडेट की लॉटरी कंडक्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास टाइम है, आप कैंडिडेट्स के नाम भी रीड कर सकते हैं, समय है हमारे पास। इसमें क्योंकि हमारे पास एक ही एप्लीकेशन फिल है तो हम इसमें भी हम कंडक्ट कर देते हैं। कार्तिक कुमार क्योंकि एक ही एप्लीकेशन है तो एक ही नाम दिखाएगा, इस लिस्ट को भी डाउनलोड कर ले हम। नेक्स्ट हमारा डिफरेंटली एबल एसटी लॉटरी सिस्टम है, इसमें हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं आया हुआ है तो यहाँ पे कंडक्ट के लिए भी कोई यहाँ पे बटन नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट हम डिफरेंटली एबल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का चेक करते हैं, इसमें भी क्योंकि एप्लीकेशन कोई भी नहीं है तो यहाँ कंडक्ट नहीं होगी लॉटरी। डिफरेंटली एबल जनरल ओबीसी जो क्रीमी लेयर है उसमें भी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे भी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं हम लॉटरी। उसके बाद नेक्स्ट हम सर्विस कैटेगरी 1 की लॉटरी कंडक्ट करने जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं लिस्ट में 4 ही एप्लीकेशन है तो इन चारों के ऊपर हम लॉटरी कंडक्ट करेंगे और पहला नाम यहाँ पे फिलहाल लॉटरी से पहले ये इलिजा खिची करके एप्लीकेशन है, फिर राघव, राशि एंड आर्यवीर। आफ्टर लॉटरी जो लिस्ट है फाइनल वो ये जनरेट हुई, उसमें इलिजा, राघव, राशि एंड आर्यवीर जो हमारे एडमिशन की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग लॉटरी हुई है, तो ये फाइनल लॉटरी लिस्ट हम डाउनलोड कर रहे हैं। कैटेगरी 1। देन सर्विस कैटेगरी 2 की लॉटरी कंडक्ट करने जा रहे हैं हम, इसमें हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है तो लॉटरी नहीं कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट एससी कैंडिडेट की लॉटरी, एससी कैंडिडेट में पहला हमारा नीरज कुमार का नाम है, ये बिफोर लॉटरी प्रिंस, फिर शवाली, तानिया, सीरियल नंबर है ये, सीरियल नंबर अकॉर्डिंग जैसे भी हो गए एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे लॉटरी के बाद चेंज हो जाएगा, लॉटरी करने के बाद ये शफल होंगे और फाइनल लिस्ट जनरेट होगी। कोई इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिए एक बार, ये इन्फॉर्मेशन है, यू आर अबाउट टू व्यू द एससी कैटेगरी लॉटरी रिजल्ट, द पेज विल आल्सो अलाउ यू टू प्रोसेस एडमिशन दिस कैटेगरी, इफ यू विश टू सिंपली व्यू द लॉटरी रिजल्ट क्लिक ओके एंड क्लोज द पेज आफ्टर व्यूइंग, इफ यू विश टू प्रोसेस द एडमिशन प्लीज नोट द एडमिशन अंडर एससी कैटेगरी कैन बी गिवन ओनली टू फिल द शॉर्टफॉल रिजर्व सीट आफ्टर एडमिशन ऑल द। तो इसमें हमारे पास क्योंकि आरटी के अंदर भी हमारे एससी कैंडिडेट होते हैं
अब अगर आरटी के अंदर सपोज हमारे पास सिंगल सेक्शन है तो 10 सीट आरटी के होती है, अगर सपोज एससी के हमारे पास 15% का रिजर्वेशन होता है तो आरटी में अगर 6 सीट हमारे पास आ गई हैं तो हम एससी कैंडिडेट में से हम नहीं लेंगे, बट अगर आरटी में हमारा सपोज शॉर्टफॉल होता है, अगर हमारे पास आरटी में सिर्फ 3 ही एससी के कैंडिडेट आते हैं तो हम बाकी जो है एससी कैंडिडेट की लॉटरी सिस्टम से हम 3 और निकालेंगे। तो टोटल सिंगल सेक्शन स्कूल में फिर आपके जो 6 सीटें हैं एससी की 3 आरटी में से मिलेंगी और 3 फिर यहाँ जो शॉर्टफॉल आरटी में शॉर्टफॉल हुआ वो यहाँ से फिर आपके लिस्ट से हम कैंडिडेट को एडमिशन देंगे। फिर तो हम यहाँ शॉर्टफॉल हो मे बी तो इसलिए हम इसको कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एससी कैंडिडेट के हो सकते हैं वहाँ आरटी आ गए होंगे, तो यहाँ वेटिंग लिस्ट जनरेट हुई है। प्रिंस जसवंत यादव, खुशी इरशाद, प्रिंस कुमार, आशीष सरमाल, डेट मीन्स कि वेटिंग लिस्ट 1 पे है। अगर हमारे आरटी में एससी कैंडिडेट सारे अगर आ जाते हैं तब तो यहाँ से नहीं पिकअप करेंगे, अगर सपोज वहाँ शॉर्टफॉल होता है एससी कैंडिडेट वहाँ नहीं मिलते हमें तो हम यहाँ से एससी की लिस्ट से वेटिंग लिस्ट से वहाँ आरटी की सीट को फुल करेंगे पूरा। देन हम एसटी कैंडिडेट की लॉटरी सिस्टम कंडक्ट कर रहे हैं। एसटी में पहले नंबर पे जानवी देवी का नाम दिखा रहा है बिफोर कंडक्ट लॉटरी, फिर आरुष नजरात, अनमोल, प्रणव, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि कंडक्ट करने के बाद ये सफल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सेम एसटी कैटेगरी के लिए भी है कि आरटी में अगर शॉर्टफॉल होता है तो हम एसटी कैंडिडेट एसटी की लॉटरी सिस्टम यहां से हम वहां फुलफिल करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर हम इस लिस्ट से नहीं पिकअप करेंगे। तो हम शॉर्टफॉल के लिए यहां हम लॉटरी कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखो वेटिंग लिस्ट में पहला नाम जो है वो नजरत हुसैन का है, फिर जानवी देवी, आरुषि जबांतु, मोहम्मद सलीम, अनमोल प्रणव, तो ये सारी वेटिंग लिस्ट जनरेट होंगी एसटी की जितनी भी होंगी। देन हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर लॉटरी सिस्टम कंडक्ट कर रहे हैं, ये भी रिजर्वेशन में है। हमारे पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 3 एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं जिसमें सोनम है, जशनान है, दिव्यांशी है, सीक्वेंस नंबर ऐसे हैं। आफ्टर कंडक्ट लॉटरी अगेन द सेम शॉर्टफॉल अगर यहाँ पे होता है तो हम यहाँ से पिकअप करेंगे। तो आफ्टर कंडक्टिंग लॉटरी वेटिंग लिस्ट नंबर 1 पे आप जशनान हो गई है, देन दिव्यांशी, देन सोहम वर्मा। अब हम आते हैं सर्विस कैटेगरी 3rd की लॉटरी पे। इसमें पहले नंबर पे है अभी फिलहाल बिफोर कंडक्टिंग लॉटरी राजवीर अंताल, महिका गुप्ता, अद्विक शर्मा, हर्षवर्धन सिंह। आफ्टर कंडक्टिंग लॉटरी महिका गुप्ता आपके फर्स्ट नंबर पे है, अब राजवीर अंथाल है, शोभिता अंथाल है, शुभम ठाकुर है, पाकिजा है, ये सारी वेटिंग लिस्ट है। अगर हमारे पास 80 कैंडिडेट आरटी कैटेगरी 1 से फुलफिल हो जाते हैं तो हम यहाँ पे नहीं आएंगे, अगर हमारे वो 80 कैंडिडेट से कम होते हैं अगर तो हम यहाँ से 3rd कैटेगरी से कैंडिडेट को पिकअप करेंगे। तो इसलिए ये वेटिंग लिस्ट जनरेट हुई है सारी की सारी। देन हमारे पास सर्विस कैटेगरी 4 के 1 एप्लीकेशन है, इसमें भी हम लॉटरी जनरेट कर रहे हैं। तो वही कैंडिडेट आएगा, वेटिंग लिस्ट 17 जनरेट हो जाएगा इसका आफ्टर 3rd कैटेगरी के बाद। इसके बाद हम सर्विस कैटेगरी 5 की लॉटरी कंडक्ट करने जा रहे हैं। इसमें आप जैसे देख सकते हैं फर्स्ट नाम जो है वो मानिक का है बिफोर लॉटरी कंडक्शन, लक्ष्य चौधरी है, फिर नीरज कुमार है, आशीष है, प्रिंस कुमार है, रुद्र शर्मा है।
और कैटेगरी फिफ्थ की भी लॉटरी कंडक्ट हो चुकी है और इसमें वेटिंग लिस्ट 18 से स्टार्ट हो गया। ये सारी वेटिंग लिस्ट है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कैंडिडेट सिंगल गर्ल चाइल्ड के, तो हम इसकी भी लॉटरी कंडक्ट करने जा रहे हैं। इसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड के हमारे पास 3 एप्लीकेशन है, जिसमें ये एलिजा है, तानिया है, मिस्ट्री है, तो इनका शफल होके आफ्टर लॉटरी क्या देखेंगे कंडक्ट करने के बाद। एलिजा फर्स्ट पे है, मिस्ट्री सेकंड पे, अंतानिया सिंगल गर्ल चाइल्ड लॉटरी में। तो हमारे पास सिंगल गर्ल चाइल्ड के 4 वैकेंसी हैं, तो 3 कैंडिडेट हमारे पास आए। ये हमने जितने भी कैटेगरी हैं उनके स्टेप बाय स्टेप लॉटरी कंडक्ट कर लिया और हमारे पास सारी लिस्ट डाउनलोड हो गए हैं और ये वेबसाइट पे अपडेट हो जाएंगे आधे घंटे में। धन्यवाद। इधर इधर हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। इधर है।